हर एक भारतीय के लिए जलियांवाला बाग किसी भी पवित्र और महान जगह से कम नहीं है यह पंजाब भारत में स्थित है यह वह महत्वपूर्ण भूमि है जहां महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और हजारों निहत्ते साधारण लोगों को कुछ ही क्षण में मौत के घाट उतार दिया गया था यह भारतीय इतिहास का वह स्थान है जिसकी ऐतिहासिक कहानी सुनने से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जलियावाला बाग अमृतसर में स्थित है यह स्थान अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर से लगभग एक पॉइंट किलोमीटर की दूरी पर है यह घटना सन उन्नीस की है वह दिन पारंपरिक त्यौहार बैसाखी की पहली तारीख 13 अप्रैल थी भारत में हिंदू लोग इस दिन को एक पवित्र दिन के रूप में मानते हैं उस दिन दिनियावाला बाग में एक विशाल जलसे का आयोजन किया गया था जहां हजारों लोग दूर दूर से इकट्ठा हुए थे वहां उस दिन हंसराज जी का भाषण सुनने के लिए लगभग बीस हजार लोग उपस्थित हुए थे जिसमें ज्यादातर सिख समुदाय के लोग थे भाषण प्रारंभ हुआ और लोग ध्यान से भाषण सुन रहे थे तभी ब्रिटिश जनरल डायर जलियावाला बाग पहुँचा और एकाएक उसने सभा को बंद करने का आदेश दिया जनरल डायर के आदेश से सभी जगह भीड़ में भाग दौड़ मच गई जनरल डायर ने सभी दरवाजों पर अपने सैनिकों को तैनात करवा दिया जिससे कि लोग बाहर ना निकल पाए उस समय जनरल डायर के सैनिकों के पास लगभग एक हजार छः सौ राउंड गोलियां थी क्रूर जनरल डायर के ब्रिटिश सैनिकों ने भागते हुए लोगों के ऊपर अंधाधुन गोलियां बरसाना शुरू कर दिया जिसमें उन्होंने सभी एक हजार सौ राउंड गोलियों को लगभग दस मिनट तक चलाया कई निहत्ते लोग उस जलिया वाला बाग में स्थित एक कुएं में कूद गए जलियांवाला बाग के इस हत्याकांड में हजारों साधारण भारतीय लोगों की मृत्यु हो गई जनरल डायर की योजना थी कि इस कुकर्म से भारतवासी जाएंगे और डरकर देश की आजादी की लड़ाई से हट जाएंगे परंतु जनरल डायर की यह धारणा गलत साबित हुई जलियावाला बाग हत्याकांड के बाद पूरे देश भर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आग सी भड़क उठी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इस खबर को सुनने के बाद सहन न कर सके भारत के हर क्षेत्र में आजादी की आग भड़क जलिया वाला बाग ब्रिटिश सरकार के अत्याचार और निर्दयता को याद दिला देता है साथ ही यह उन महान निर्दयी लोगों को भी याद दिलाता है जिन्होंने बिना किसी कारण अपने देश के लिए जीवन दे दिया धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत